तो आज के वीडियो में बात करेंगे इस ब्लेड्स वुल्फ यूएसबी चार्जर के बारे में, जहां पर मैं करने वाला हूं इसकी अनबॉक्सिंग, बताऊंगा सारे फीचर्स और सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजे टंटर आना, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो गई, तो हम सभी ने देखा बेसिकली बॉक्स के अंदर हमें एक यूएसबी चार्जर मिलता है और एक यूज़र मैनुअल तो नहीं बोल सकते, क्विक सपोर्ट गाइड है जिसमें कुछ ईमेल एड्रेस है और आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, और एक क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के पेज पे जा सकते हो। तो बस ये आपको बॉक्स में देखने मिलता है, इसके अलावा बॉक्स में तो ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं था। तो बात कर ली इस प्रोडक्ट के फर्स्ट लुक और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो फर्स्ट लुक में तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो देख के ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है इस प्रोडक्ट को बनाते वक्त, क्योंकि काफ़ी देखने में प्रीमियम लुक देता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसके बात करूँ इसके यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में, जो यूएसबी पोर्ट दिए गए, तो बेसिकली यहाँ पे तीन पोर्ट्स दिए गए, इसमें से दो जो पोर्ट है वो एस पावर वाले, मतलब जो नॉर्मल हमें चार्जर में देखने मिलता है, और जो तीसरा है क्यूसी चार्जर, मतलब बोल सकते हो क्विक चार्ज का जो सपोर्ट है वो आपको सिर्फ ये 3.0 वाले में देखने मिलने वाला है। तो यहां पर इस अडैप्टर के थ्रू या फिर यूएसबी चार्जर के थ्रू आपको दोनों कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका फास्ट चार्जिंग भी होगा और स्लो चार्जिंग भी होगा, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको अटैच करके यूज कर सकते हो। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहां पर आपको इस यूएसबी चार्जर के थ्रू मल्टीपल केबल अटैच करके आप चार्जिंग कर सकते हो। और जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे मल्टीपल पोर्ट्स के बारे में, तो यहां पे इसके वोल्टेज जो पावर है कंजप्शन वो भी अलग अलग है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा जो ऊपर के दो हैं एस पावर वाले, उसका वोल्टेज कुछ 5 वोल्टेज का है दोनों में ईच, और जो दूसरा वाला है क्यूसी 3.0 वाला, वहां पे आपको जो पावर कंजप्शन देखने मिलेगा वो कुछ शुरू हो रहा है 3.6 से और जाता है 6.5 वोल्टेज तक। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा ये चार्जर काफी कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट भी है, हालांकि बाकी सब चार्जर भी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होते हैं, बट यहां पे खासियत ये है कि यहां पे आपको तीन पोर्ट मिल जाते हैं चार्ज करने के लिए। मान लीजिए अगर आपके दो तीन दोस्त साथ में है और सबको एक साथ में चार्ज करना, यूजुअली आप जब ट्रैवल करते रहते हो तो उस टाइम पे बैटरी सबकी डेड होती है, तो उस समय ये चार्जर आपको काफी हेल्प करेगा। और यहां पे आपको क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो समझ लो आपका भाई जिसके पास अगर टाइप सी वाला चार्जिंग केबल है वो तो भाई राजा है उसमें आपके ग्रुप में। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जब आप चार्जिंग के लिए लगाते हो तीनों पोर्ट में, तो यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट जलती है जो देखने में काफी एकदम अट्रैक्टिव लगती है और काफी अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आप रूम में कोई चार्जिंग वगैरह कर रहे हो तो लाइट वेट बंद कर दो तो एक अच्छा लाइट का व्यू आ जाता है इस चार्जिंग के थ्रू। ये एक प्लस पॉइंट होगा इसी चार्जर का। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूंगा, इस चार्जर की जो मुझे नहीं पसंद आई ये इसका ये जो बोलते हैं ना अडैप्टर का जो पॉइंट होता है, ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा अगर आप जब भी चार्जिंग में लगाते हो स्विच बोर्ड में, तो वहां पे ना वो ऐसा लटकते रहता है, तो वो काफी बोलते हैं ना रिस्की रहता है, ऐसा लगता है गिर जाएगा। तो इस पे आई थिंक ब्लेड्स वुल्फ अगर कोई भी देख रहे हो इस वीडियो को तो जरूर इस पे काम कीजिए। मैं आपको बोलना चाहूँ कि आप एग्जांपल ले लीजिए वन प्लस का, उनके जो चार्जर होते हैं काफी एकदम परफेक्टली बैठ जाते हैं और आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है कि गिरेगा नहीं। तो इसमें ये चीज मैंने ऑब्जर्व की जब मैं यूज कर रहा था इस चार्जर को, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि गिर जाएगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, और जब भी आप नेक्स्ट वर्जन इस यूएसबी चार्जर का बना रहे हो तो उसमें वो वाली टेक्नोलॉजी या फिर जो भी स्विच लगता है वो लगा दीजिए, तो फिर
क्या बात होगी। बात कर ले इस यूएसबी चार्जर के प्राइस के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई आपको चार्जर में आपको दोनों फैसिलिटी मिल रही है, मतलब स्लो वाले भी मिल रहे हैं और फास्ट वाले भी चार्जिंग मिल रही है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग है एज कम्पेयर टू अदर चार्जर, मतलब जो लोकल वाले होते हैं या फिर उससे थोड़े अच्छे वाले, उससे भी ये महंगा है, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन पोर्ट मिल रहे हैं, तीन दोस्त मिलकर एक साथ में चार्ज कर सकते हैं, तीन फैमिली मेंबर कोई भी तीन जन साथ में एक साथ में चार्ज कर सकते हैं, तो ये खासियत है। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लिट्ज़बुल्ब वालों ने प्राइसिंग इसकी रखी है 1400 रुपये। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि काफी ज्यादा है, क्योंकि यार इतना महंगा चार्जर कोई नहीं लेता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वैल्यू फॉर मनी कब है, जब आप स्पेशली ट्रैवल पर्सन हो और बोलते हैं ना कि क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, इसी के साथ साथ कुछ दोस्त लोग उनको भी जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे ये काफी मदद करेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या मानना है इसी चार्जर के बारे में। और इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग ने सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जरूर कीजिए, काफी कुछ अपडेट में वहां पे डालते रहता हूं, तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए। और टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।